और देखिए इस बीच एक सुखबीर सिंह गोगाबेड़ी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आई। रामवीर जाट को गिरफ्तार किया गया, शूटर को सहयोग करने वाला रामवीर जाट गिरफ्तार किया गया। जी हां, शूटर जो आरोपी हैं, दो आरोपी जो शूटर हैं उनमें से सहयोग करने वाला, उनकी मदद करने वाला, फरारी में उनको सहयोग देने वाला रामवीर जाट गिरफ्तार किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत ही बड़ी गिरफ्तारी की और बहुत ही बड़ी खबर ये निकलकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में सामने आ रही है। विष्णु हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विष्णु, कहां से गिरफ्तारी हुई, किस तरह से मदद की थी इसने? देखिए, बड़ी खबर है कि हत्याकांड के पांचवें दिन बड़ी कामयाबी जयपुर पुलिस को मिली है, जिसमें शूटर नितिन फौजी का सहयोगी रामवीर जाट को जयपुर पुलिस कमिश्नर की टीम ने गिरफ्तार किया है। पूरा जो ऑपरेशन था वो पुलिस कमिश्नर जोसा, उसके अलावा कहे कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई इनके सुपरविजन में चला, जहां पर रामवीर जाट को आज महेंद्रगढ़ से स्पेशल जो टीम बना रखी थी उन्होंने गिरफ्तार किया है। महेंद्रगढ़ हरियाणा से जी बिल्कुल। हाँ। रामवीर जो जाट है उसको महेंद्रगढ़ हरियाणा से गिरफ्तार हाँ। किया है। रामवीर महेंद्रगढ़ में ही सतनाली में एक सुरेती तिरंगिया गांव का रहने वाला है। अब तक की जांच में सामने आया कि नितिन फौजी का ये बचपन से दोस्त था, जयपुर में रहकर रामवीर ने पढ़ाई की थी। और इस हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट यह कि रामवीर ने इस हत्याकांड से पहले नितिन फौजी को जयपुर में ठहराने की व्यवस्था की, उसके बाद में जयपुर में रैकी करवाई, साथ में जो भी हत्याकांड से जुड़ी हुई जो प्लानिंग थी उसमें रामवीर जाट सहयोगी रहा था। वहीं पर जब 5 दिसंबर को दोपहर को हत्या कर दोनों शूटर्स ने गोगामेड़ी की हत्या कर दी, उसके बाद आरोपियों को बगरू टोल प्लाजा से एक बस में बैठाकर, जो नागौर डिपो की बस थी उसमें बैठाकर फरार करवाने में भी रामवीर जाट की बड़ी भूमिका सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर पीछा करते हुए टेक्निकल एविडेंस के आधार पर रामवीर जाट को आज गिरफ्तार किया है। जी, तो जिस तरह से रामवीर जाट की भूमिका आप मर्डर करने में, असिस्ट करने में यानी सहयोग करने से लेकर मर्डर करने के बाद इन आरोपियों को भगाने में रही है, तो रामवीर जाट भी इन हत्यारों जितनी ही बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। वो जानता है कि आखिर किसके इशारे पर हुआ, वो जानता है कि आखिर ये साजिश किस तरह से रची गई। तो बहुत महत्वपूर्ण इस गिरफ्तारी को माना और कहा जा सकता है रामवीर जाट की जो गिरफ्तारी आज की है राजस्थान पुलिस ने। विष्णु जी बिल्कुल, देखिए बड़ी कामयाबी है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि 9 नवंबर को नितिन फौजी और उसके साथियों ने महेंद्रगढ़ के सदर जो थाना है उसकी पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया था, और न्यूज 18 पर हमने खबर भी ब्रेक की थी कि नितिन फौजी पुलिस पर फायरिंग कर चुका है घटना से करीब कुछ दिनों पहले। लेकिन उस फायरिंग के बाद में नितिन फौजी फरार हो गया, और नितिन फौजी ने इस फरारी के दौरान अपने दोस्त रामवीर को महेंद्रगढ़ से जयपुर में भेजा था। 19 नवंबर को महेंद्रगढ़ से नितिन फौजी ने रामवीर जाट को जयपुर भेजा, और यहीं पर रामवीर